ऑफिस के लिए तैयार हो ही रही थी कि बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। माँ माँ जल्दी से टिफिन दे दो, बारिश का मौसम हो रहा है और जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, मैंने माँ से कहा। माँ के हाथों से टिफिन लेकर मैं भागते हुए अपने गैराज की ओर स्कूटी निकालने के लिए भागी तो अक्षरा बोली, अरे दी आज पर्स नहीं ले जाना क्या? ला दे दे। जल्दी से कहकर मैंने जैसे ही स्कूटी गेट के बाहर निकाली, मम्मा बोली, अरे अंजलि बाल तो बांध ले, नहीं माँ देर हो रही है, बाय। कहते हुए मैं तेजी से ऑफिस की ओर चल पड़ी। चौराहे तक ही पहुंची थी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सच, पहली बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मन एकदम प्रसन्न हो गया। ऑफिस पहुंचकर हम सभी आपस में पहली बारिश के खुशनुमा मौसम में चाय की चुस्कियों का आनंद ले ही रहे थे कि ऑफिस बॉय आया। अंजलि मैडम आपका फोन आया है, जाओ अंजलि जल्दी जाओ, कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सभी एक साथ बोल पड़े। पता नहीं कौन है ये, रोज रोज फोन करके परेशान किया हुआ है। मैं भुनभुनाती हुई मैनेजर के चेंबर की ओर गई। रिसीवर पकड़ा कर मैनेजर ने जबरन फाइल में अपना मुंह झुकाकर अपनी हंसी रोकने का उपक्रम किया। मैंने रिसीवर कान में लगाकर ज्यों ही हेलो बोला, वहां से आवाज आई, अंजलि अंजलि अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, कौन है आप और क्या चाहते हैं मुझसे? बार बार फोन करके क्यों परेशान करते हैं मुझे? अंजलि आज पहली बारिश में लंबे खुले भीगे बालों में तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल कर रहा था तुमको अपनी बाइक पर पीछे बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं। विल यू प्लीज शट अप, कहते हुए मैंने रिसीवर पटक ही दिया और तेज कदमों से बाहर आई तो सभी ने मुझे घेर लिया और पूछने लगे, आज मैडम की तारीफ में क्या कह दिया अजनबी प्रेमी ने? ये रोज का नियम था। मेरे ऑफिस पहुंचते ही उस अजनबी का फोन आता, कभी मेरे हेयर स्टाइल की तारीफ करता, कभी मेरे ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करता। एक दिन तो गजब ही हो गया जब उसने कहा कि आज तुमने जो परफ्यूम लगाया था उसने तो मुझे मदहोश ही कर दिया। क्या तू मेरे इतना करीब था? वो मेरे इतना करीब था तो मेरा ध्यान क्यों नहीं गया उस पर? वो ऑफिस और घर के बीच ही कहीं मुझे देखता था। कहां रहता है वो और क्या चाहता है मुझसे? महीनों से सिलसिला जारी था। फिर एक दिन उसने कहा, अंजलि अंजलि अंजलि, मेरी प्यारी सी अंजलि, आज तुम गोल्डन सूट में इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसा करना तुम शादी में गोल्डन कलर का लहंगा ही पहनना, बहुत खूबसूरत लगेगा, बताओ पहनोगी ना? अब ऑफिस जाते ही मुझे उसके फोन का इंतजार सा रहता। मैं रोज ऑफिस जाने के पहले बार बार आईना निहारती। मुझ जैसी बेपरवाह सी लड़की में एक ऐसा परिवर्तन आ गया था जिसे मेरी बहन अक्षरा ने भांप लिया था। एक दिन वो मुझे झिझोड़ते हुए बोली, मुझे बता कि कहीं किसी और से प्यार तो नहीं हो गया, हट पागल कहेंगी। मैंने उसे दूर धकेला तो वो बोली, रुको मैं मम्मा को बताती हूँ तुम्हारे बारे में, सब सच सामने आ जाएगा अभी। मैंने उसे रोकते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके ऑफिस में अजनबी के फोन वाली सारी बातें बताई तो वो बोली, दी तुम मानो या ना मानो पर तुम्हें उसी अजनबी से प्यार हो गया है, चल हट मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ओहो मैडम जी को ऑफिस जाकर उनकी तारीफ जो सुनने की जल्दी है, क्या दी सच है ना? मेरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। दूसरे दिन रविवार था, छुट्टी का दिन। देर तक सोती रही कि माँ ने जगाया, अरे अंजलि उठ भी जा, देख तो कौन आया है। कौन है मम्मा? मुझे सोने दो ना, छुट्टी है मेरी। अरे ओ कितना सोएगी, मेरी शादी की तैयारी कौन कराएगा, ढेर सारा काम है, कमर कस के काम करना पड़ेगा तुझे, ये देख मेरी शादी का कार्ड। मेरी रजाई खींचते हुए रितिका बोली, अरे तुम्हारी शादी कब पक्की हो गई, पहले से बताया नहीं तुमने? मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे कजन की शादी में गई थी, वहीं एक हैंडसम का दिल मुझ पे आ गया, बस चट मंगनी पट ब्या, ज्यादा समय नहीं है, बस अगले माह की 25 तारीख को मेरी शादी है, और हाँ 15 दिन पहले से मेरे घर आ जाना, साथ ही मेरी शादी में तुझे गाना भी गाना पड़ेगा, सारी तैयारी कर लियो।
फिर हम सबने बैठकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े का मजा लिया। रितिका जाते जाते बोली, अंजलि तेरे लिए मेरी शादी में एक बहुत खास तोहफा है, तैयार रहना। क्या है बताना रितिका, प्लीज बताना। वो तो शादी वाले दिन ही पता चलेगा तुझे। और सुन, कल ही छुट्टी की एप्लीकेशन लगा देना ऑफिस में। ओके बाय। मैं अगले दिन ऑफिस पहुंची। उस दिन अजनबी का फोन नहीं आया। ऑफिस से घर लौटी तो मन में कुछ अनमना सा लग रहा था, शायद उस अजनबी के फोन को मैं मिस कर रही थी। अगले दिन भी उसका फोन नहीं आया तो सोचा मैं क्यों परेशान हूं फोन की बात को लेके। हो सकता है कोई ऐसे ही टाइम पास कर रहा हो, जिसे देखा ही नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, उसे लेके इतना परेशान होना तो मूर्खता है। उस दिन ऑफिस से घर जल्दी चली गई और घर जाकर मम्मी और बहन के साथ रितिका की शादी की तैयारी के लिए मार्केट चली गई। शादी वाले दिन के लिए कपड़े पसंद कर रही थी कि अचानक कानों में वही आवाज गूंजी, तुम गोल्डन कलर की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो अंजलि। और मैंने गोल्डन कलर की साड़ी ही खरीदी। दी क्या बात है, किसकी पसंद के कलर लिए जा रहे हैं, बताओ तो जरा, रितिका बोली। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर रितिका के घर जा पहुंची। रितिका की छोटी बड़ी तैयारियों से लेकर मेहमानों की खातिरदारी और किचन के कामों में आंटी की मदद में जुट गई। मैंने कई बार मांग किया कि जब भी मैं कोई सामान यहां से वहां रखने जाती, एक बेहद हैंडसम सा लड़का मेरे हाथों से सामान खुद पकड़ लेता। आते जाते उसकी नजरें बस मुझ पर ही टिकी रहती। हालांकि वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहता और ना ही कोई ऐसी वैसी हरकत करता, फिर भी जब भी मौका मिलता मेरे इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश किया करता। मेहमानों की बढ़ती भीड़ और कामों के बीच रितिका या आंटी जी से उसके बारे में पूछ भी नहीं पाई। आखिरकार रितिका की शादी वाला दिन आ गया। सभी रस्मों के बाद ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। रितिका उठी और हाथ में माइक लेते हुए बोली, अटेंशन प्लीज, अब मेरी सबसे अजीज सहेली अंजलि हम सब के सामने गाना प्रस्तुत करेंगी। मैंने उसे मना किया तो सामने खड़ा वो हैंडसम सा लड़का मेरे पास आया और पहली बार बोला, अंजलि प्लीज गाओ ना, मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे गाने की। और रितिका ने मुझे माइक थमा दिया। मैंने गाना गाया। गाना था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना खत्म हुआ ही था कि वो हैंडसम मेरे सामने आया और एक हाथ में लाल गुलाब का फूल लेकर घुटनों के बल झुकते हुए बोला, अंजलि सचमुच मैं भी तुम्हें इतना ही प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अचानक ही मेरे कानों में उस अजनबी की आवाज गूंज उठी, अंजलि अंजलि अंजलि, मेरी प्यारी सी अंजलि। काश कि वो अजनबी मुझे प्रपोज करता। अरे क्या सोचने लग गई अंजलि, आज गोल्डन कलर की साड़ी में भी तुम उस दिन की तरह ही खूबसूरत लग रही हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान सी हो गई। और ज्यादा मत सोचो, हाँ कर दो, वो फोन करने वाला तुमको रोज ऑफिस में फोन करके परेशान नहीं करेगा, बल्कि सारी जिंदगी तुमको पलकों पर बिठा के रखेगा। मैं आश्चर्यचकित सी होकर उस हैंडसम को देखती तो कभी रितिका को। इतने में ही रितिका मेरे पास आई, अंजलि यही है मेरी शादी का सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए। कैसा लगा? ये मेरा कजन है, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, तुमसे बहुत प्यार करता है। रितिका ने मेरा हाथ थामकर उस अजनबी के हाथों में थमा दिया। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी, मेरे मन का मयूर नाच उठा था।